हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और टी बिल के ऊपर। मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। व्हाट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इन एग्रीमेंट बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द ऑथराइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिटर और ऑथराइज्ड के बीच या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच एक एग्रीमेंट होता है। दिस एग्रीमेंट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। ये एग्रीमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड मतलब एक निश्चित समय के लिए होता है, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट यानी एक निश्चित राशि होती है। वेयर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे इंटरेस्ट, जहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट पे करते हैं। यू कैन रिडीम एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी टाइम पर इसे रिडीम कर सकते हैं। हैंस यू कैन नॉट विदड्रॉ बिफोर द कंप्लीट ऑफ द टेन्योर। इसलिए आप इसके कार्यकाल टेन्योर मतलब कार्यकाल से पहले इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। CD आर इशू इन अ डिमेटलाइज फॉर्म। CD डिमेटलाइज फॉर्म में इशू होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होते हैं। इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट दैट अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू। ये एक प्रॉमिस नोट है जिसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंश्योरेंस इट, FDIC इसका इंश्योरेंस करते हैं। फेडरल डिपॉजिटी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट इट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करता है। द RBI लेज द गाइडलाइन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन CD। CD में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग RBI ने गाइडलाइन बनाई है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अ CD द डिपॉजिटरी गेट अ ग्रेस पीरियड ऑफ 7 डे टू डिसाइड अबाउट द मेच्योरिटी अमाउंट। इन केस द डिपॉजिटर डज नॉट विदड्रॉ within the 7 day grace period the maturity amount in reinvestment यानी CD की maturity time पर depositor को maturity amount के बारे में 7 day का grace period मिलता है। in case यदि depositor इस 7 day के grace period में maturity amount को जो है withdraw नहीं करता है, तो ये जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसका फिर से री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसके अलावा ग्रेस पीरियड के बाद पेनल्टी पे करके मेच्योरिटी अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है यानी निकाला जा सकता है। अदरवाइज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को डिमांड और पेनल्टी पेमेंट करके निकाला नहीं जा सकता मतलब रिडीम नहीं किया जा सकता। CD वेयर इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1989 टू इंक्रेज द रेंज ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दिस इनेबल्स इन्वेस्टर टू मैनेज शॉर्ट टर्म फंड्स मोर इफेक्टिवली। CD को 1989 में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए पेश किया गया था, जिससे इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म फंड की तरफ अधिक प्रभावित हो, इसीलिए मनी मार्केट में CD को लाया।